हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें ट्विंस प्रेगनेंसी में कितना खाना चाहिए और क्या सच में हमें दो तीन लोगों के बराबर खाना चाहिए या फिर हमको जितनी भूख लगती है उतना खाना चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमारी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो हमको जो पोषक तत्व है उनकी जो डिमांड होती है वो लगभग तीन गुना बढ़ जाती है। जितना भी हम खाते हैं ना, तो उसमें से दोनों बेबी भी पोषक तत्व लेते हैं, प्लस माँ के शरीर के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं पोषक तत्व, ताकि बेबी और माँ दोनों ही पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अगर डिमांड ज्यादा बढ़ गई तो आपको बहुत सारा खाना है और इकट्ठा ही एक ही बार में तीन लोगों के बराबर खाना है, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपको क्या करना है कि आपको खाने की क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पे ध्यान देना है, ठीक है। क्वालिटी का मतलब होता है कि आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी खा रही है, चाहे फिर आपको थोड़ी सी भूख लग रही हो या फिर आपको अच्छे से भूख लग रही हो, तो आप कोशिश करें हेल्दी खाएं, ठीक है। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपको भूख लग रही है तो आप जो है अनहेल्दी खा लिया आपने और आपने ये सोच लिया कि बस हमने बहुत ज्यादा खा लिया, अब जो हमारा बेबी है ना, उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से वेट गेन हो जाएगा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ट्वींस प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको ध्यान ये रखना है कि आप जहां तक हो सके हेल्दी से हेल्दी खाएं। हेल्दी से खाने का ये फायदा रहता है, आपके जो बेबी का डेवलपमेंट है, पोषक तत्वों की जो डिमांड होती है वो अच्छे से पूरी हो जाती है, और जो है ना बेबी में कोई कमी होती है ना ही आप में कोई कमी होती है। प्रेगनेंसी में होता क्या है कि तीखा और चटपटा खाने का भी बहुत मन करता है, ठीक है। तो अगर आप ये कर रही हैं कि मान लीजिए आपको भूख लग रही थी तो आपने जो है उस समय चाउमीन खा ली, टिक्की खा ली, समोसे खा लिए, आइसक्रीम खा ली, अगर आप इन चीजों से पेट भर रही हैं तो इनसे कोई भी फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके टेस्ट के लिए होते हैं, ना तो इनसे आपकी बॉडी को कोई भी पोषक तत्व मिलेंगे और ना ही बेबी को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि बेबी का सही विकास और सही वजन बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा सहायक होते हैं वो होता है हेल्दी फूड, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी फूड खाना है, ना कि अनहेल्दी फूड खाना है, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। और एक बात और आपको ध्यान रखनी कि जो आप खाना प्रेगनेंसी से पहले दो या तीन बार खाती थी ना, तो वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान दिन में कम से कम छह से सात बार खाना है, ठीक है। होता क्या है कि जब हमारा ट्विंस प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या होता है कि कई महिलाओं को बहुत ज्यादा उल्टी, चक्कर आना, कमजोरी लगना, जी घबराना, कुछ खाने का मन ना करना, या फिर बहुत ज्यादा तीखा मन करना, चटपटा मन करना, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात होती है, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है और आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी नहीं प्रॉपर खा पा रही है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो हमारे बेबी होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो उनको जो भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी इतना ज्यादा इकट्ठा होता है कि बेबी को जो है आराम से पोषक तत्व मिल जाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब हमारे जैसे जैसे बेबी का वजन बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, तो जैसे जैसे बेबी बड़ा होता है तो उसके जो पोषक तत्वों की डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादातर लेडीजों के साथ होता है कि वो अच्छे से कुछ भी नहीं खा पाती हैं और उस समय उनका वजन भी बहुत ज्यादा गिरने लगता है। तो आपके साथ भी हो रहा है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपका जैसे ही पांचवा महीना लगता है तो आपको उल्टी आना, महक लगना, ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और आपको प्रॉपर भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है, आप पांचवें महीने से जब आप अच्छे से खाना स्टार्ट करें तो आप कोशिश करें कि हेल्दी खाएं। आपको खाने में ऐसी डाइट रखनी है जिससे आपको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फॉलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें मिलें। अगर आप इन चीजों को प्रॉपर लेती हैं तो इससे क्या होगा कि आपके बेबी के विकास में कोई भी रुकावट नहीं आएगी और आपके बेबी का जो विकास होगा वो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। आपने अक्सर एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी साढ़े सात महीने में जो महिलाएं होती हैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाती हैं तो उनके साथ अक्सर एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि साढ़े सात महीने में जितना बेबी का अच्छे से विकास होना चाहिए था या फिर जितना वेट गेन होना चाहिए था वो नहीं होता है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है आपके अंदर कमी। होता क्या है कि आप लोग ना शुरू से बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते हैं, शुरू से आपका जो मन करता है वो खाते हैं। ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो खाने में तो प्रॉपर खाना होता है, जैसे मान लीजिए दाल, रोटी, चावल, हरी सब्जी, सलाद, दही, बहुत सी महिलाएं ये बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। जो अनहेल्दी चीजें होती हैं उनसे पेट भर लेती है, तो उनको ऐसा लगता है कि बाद में कि मैं तो बहुत खाती थी, पूरा ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी बेबी का वेट कम हो गया है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं खा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सेकंड ट्राइमेस्टर से प्रॉपर डाइट चालू कर दी है ना, जैसे मान लीजिए अपनी डाइट में प्रॉपर सारी दालों का सेवन करें, हरी सब्जियों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, दही, दूध, मट्ठा और प्लस फ्रूट्स हैं तरह तरह के, और जो है जूस है और नारियल पानी है,
कम से कम दिन में आप 8 से 10 गिलास अगर पानी लेती हैं, अगर आपने इतनी प्रॉपर डाइट जो है चालू कर दी है वो भी ईमानदारी से, बेबी का वेट गेन नहीं होता है, जो ये समस्या है बिल्कुल भी नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी से कह रही हूँ। लेकिन आपको इसके लिए ये करना होगा कि आपको अनहेल्दी चीजें छोड़नी होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ना खाए, मतलब अगर आपका बहुत मन करता है तो आप अनहेल्दी चीजें बहुत ही कम खाए, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि फायदा क्या है ऐसी चीजों का जिनसे आपको कोई भी फायदा ही नहीं मिलने वाला है। आपको ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है कि जैसे ही आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगा तो मान लीजिए कुछ लेडीजों को बहुत ज्यादा भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, कुछ लेडीजों को वोमिटिंग वगैरह की समस्या होती है, कुछ को नहीं होती है, तो वो क्या करती है कि वो स्टार्टिंग से ही बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देती है, बहुत ज्यादा खाना लेती है, बहुत ज्यादा फ्रूट्स खाती है, बहुत ज्यादा मतलब जो भी चीजें लिमिट से ज्यादा खाने लग जाती है, तो इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए बेबी का जो विकास है वो अपने टाइम पे होगा, कहने का मतलब है कि बेबी का जो पूरे अंगों का प्रॉपर डेवलप होना या बेबी का जो वेट गेन होना, ये जो भी चीज है वो अपने टाइम से ही होगी। मतलब देखिए 1.5 महीने में बेबी जितना ग्रो करता है उतना ही ग्रो करेगा, फिर चाहे आप एक बार में इकट्ठा खा ले या आप अपना लिमिट में खाए, ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोच रही हैं कि आप शुरू से बहुत ज्यादा खा रही हैं तो बेबी एकदम से तैयार हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि आप प्रॉब्लम और क्रिएट कर देंगी। मान लीजिए आप शुरू से खा रही हैं लगातार बहुत ज्यादा, तो इससे क्या होगा, इससे बेबी का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेबी पे, बल्कि आपका ओवर वेट गेन हो जाएगा। ओवर वेट गेन होने की वजह से आपको जो है डायबिटीज की भी शिकायत हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है ज्यादा वेट जो होता है वो बीमारियों को दावत देता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भूख बहुत ज्यादा लगती है तो बिल्कुल बैलेंस बना के खाएं, कोई भी चीज आपको लिमिट से ज्यादा नहीं खानी है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान ये रखना है कि हर 1 से 2 घंटे बाद जरूर खाएं, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा खाएं, मतलब इतना खाएं जितना कि हमारी बॉडी के लिए जरूरत होती है। आपको उतनी ही डाइट लेनी है एक बार में जितनी आपको भूख लग रही है, और आपको जो है अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा दाल का सेवन करें, ज्यादा से ज्यादा सब्जी का सेवन करें। आप रोटी की मात्रा थोड़ी सी कम कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चावलों को भी जरूर ऐड करें। आपको सिर्फ अपनी प्रॉपर डाइट का ही ध्यान नहीं रखना है, बल्कि आपको जो है जो आयरन और कैल्शियम की टेबलेट होती है, मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ कि लेडीजें इस चीज को लेके बहुत ज्यादा लापरवाही करती हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी में उनका मन करता है तो वो टेबलेट खाती हैं, नहीं मन करता है तो नहीं खाती हैं। तो अगर आप भी ऐसा कर रही हैं तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। प्रेगनेंसी में ज्यादातर हमारे शरीर में आयरन और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होने लगती है, क्योंकि देखिए ट्वींस प्रेगनेंसी में 2-2 बेबी होते हैं, तो जो ब्लड होता है उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, प्लस जो कैल्शियम होता है उसकी भी डिमांड बहुत ज्यादा होती है। आपको ऐसी डाइट तो लेनी है जिससे कि आपको कैल्शियम और आयरन पर्याप्त मात्रा में मिले, लेकिन आपको कैल्शियम और आयरन की जो टेबलेट दी जाती है वो भी आपको प्रॉपर लेनी है। 3 महीने के बाद जो स्टार्ट हो जाती है तो आपको पूरे 9 मंथ तक लेनी है। और एक सबसे बड़ा मिथ रहता है कि आयरन और कैल्शियम की गोली को लेके कि ट्वींस प्रेगनेंसी में आपको 2 कैल्शियम और आयरन की गोली खानी है, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको 2 नहीं खानी है, बल्कि आपको 1 खानी है, लेकिन रेगुलर खानी है, ठीक है। आप कैल्शियम की गोली जो है दूध के साथ लें, और आयरन की गोली आप रात को सोते समय जो है पानी के साथ बिल्कुल लें। आप इन चीजों से बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं अगर आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया की शिकायत बोलते हैं, ये भी आपकी लापरवाही से होता है। आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, आप आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट भी नहीं लेते हैं, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं एनीमिया की शिकायत होने के। इससे क्या होगा, इससे आपको जो है हाइपरटेंशन की शिकायत हो सकती है, आपको जो है प्रीटर्म डिलीवरी की शिकायत हो सकती है, मतलब समय से पहले आपकी डिलीवरी हो सकती है। अगर आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड की कमी होती है तो इससे क्या होता है कि जब आपके ही शरीर में ब्लड नहीं रहेगा तो बच्चे के पास भी प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचता है, जिससे ऑक्सीजन लेवल भी गिरने लगता है। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, आपके शरीर में ब्लड की कमी होने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा सूजन आना स्टार्ट हो जाएगी आपके पैरों में, हाथों में, चेहरे पर। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी कि आपको अपने शरीर में किसी भी तरह से जो है आयरन की कमी नहीं होने देना है, ना ही कैल्शियम की कमी होने देना है। देखिए आपको इन सबके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है कि आप जो भी खाएं हेल्दी खाएं, कोशिश करें कि आप फ्रूट्स में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स को इंक्लूड करें, मतलब आप जो है डेली बदल बदल के फ्रूट्स लें। और एक बात और है कि आपको सीजनल फ्रूट्स जरूर खाने हैं फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी में बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं, चाहे फिर वो सर्दी के दौरान हो या फिर वो गर्मी के दौरान हो। आपको जो सीजन के अकॉर्डिंग हरी सब्जियां चलती हैं वो आपको जरूर खानी है, बिल्कुल इनको अवॉइड नहीं करना। गर्मियों में जो सब्जियां चलती हैं वो आप खाइए, सर्दियों में जो चलती हैं वो आप खाइए, ठीक है। अगर आप जो है ज्यादा से ज्यादा बदल बदल के फलों का सेवन करेंगी, और जैसे खाने में मान लीजिए आज आप अरहर की दाल ले लीजिए, फिर दूसरे दिन आप चने की दाल खा लीजिए, फिर मिक्स करके दाल बना लीजिए,
खड़े मसूर की दाल खाइए। इस तरीके से अगर आप बदल बदल के दालें खाती हैं तो इससे आपको भी अच्छे से अच्छा पोषक तत्व मिलेंगे, प्लस बच्चे को भी मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही आप हरी सब्जियां भी बिल्कुल बदल बदल के खाइए। आप अपने खाने में 2 चम्मच घी जरूर डालिए। आपको हर चीज खानी है पर लिमिट में खानी है, आपको कोई भी चीज लिमिट से ज्यादा नहीं खानी है। आपको अपनी प्रॉपर बैलेंस बना के चलना है डाइट का। ठीक है, अगर आप जो है प्रेगनेंसी के 5वें महीने से अगर आप थोड़ा थोड़ा खाती हैं दिन में कम से कम 5 से 6 बार, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो खाना होगा वो आसानी से पच भी जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे हमारा पेट बढ़ता है तो हमारे लीवर पर भी दबाव पड़ने लगता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति भी जो है बहुत धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देती है, तो वो इतनी आसानी से हर चीज नहीं पचा पाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप थोड़ा थोड़ा खाएं और थोड़ा चलती फिरती भी रहें, थोड़ा काम करती रहें। इससे क्या होगा कि आप जो भी खाएंगी आराम से पच जाएगा और आप जो है आराम से फिर से दोबारा खा सकती हैं। बात और ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा 1 से 2 घंटे बाद भूख भी लगेगी, तो इसका रीजन होता है कि बेबी जैसे जैसे ग्रोथ करता है ग्रोथ के लिए पोषक तत्वों की डिमांड होने लगती है ज्यादा से ज्यादा, तो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको जरूर लेना है। बस ध्यान रखना है कि आप हेल्दी खाएं। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप शुरू से लेके जब भी खाएं अपना बैलेंस बना के चलें, बहुत ओवर ईटिंग ना करें। अगर आप ओवर ईट करती हैं तो पचाने में भी दिक्कत होगी, प्लस आपको गैस, कब्ज, पेट दर्द और बेचैनी होना और आपको बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो सकती है, तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।